गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं सुमन भारद्वाज, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपकी पाठ्यपुस्तक सितिज भाग दो के गद्यखंड का पाठ है नौबत खाने में इबादत का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं यतिंद्र मिश्र। यतिंद्र मिश्र का जीवन परिचय कल हम पढ़ चुके हैं, तो पाठ है नौबत खाने में इबादत। सबसे पहले बेटा, इस पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत, तो मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। नौबत खाने का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर एक जगह बनाई हुई होती है जहां बैठकर किसी भी वाद्य यंत्र के द्वारा, वो सहनाई हो या फिर नगाड़ा हो, किसी भी वाद्य यंत्र के द्वारा मंगल ध्वनि बजाई जाती है। और इबादत का अर्थ है प्रार्थना, आराधना या पूजा। तो इस पाठ का अर्थ ये हुआ। इस पाठ में बिस्मिल्ला खां के बारे में बताया गया है। बिस्मिल्ला खां जो जाने माने सहनाई वादक हैं, इनको सहनाई का जादूगर भी कहा जाता है। 2001 में बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका जन्म 21 मार्च 2016 में बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हुई। इनकी मृत्यु पर राजकीय शोक भी रखा गया था। तो इस पाठ में यतिंद्र मिश्र बताते हैं बिस्मिल्ला खां के व्यक्तिगत परिचय के साथ साथ उनकी रुचियों, संगीत के प्रति अनन्य साधना एवं लगन का मार्मिक चित्रण करते हैं। यहाँ बिस्मिल्ला खां की लगन और धैर्य के माध्यम से बताया गया है कि संगीत एक आराधना है, इसका अपना शास्त्र और विधि विधान है, जिसके परिचय के साथ ही अभ्यास भी आवश्यक है और अभ्यास के लिए पूर्ण तन्मयता, पूर्णता और मन से बिल्कुल धैर्य और मंथन, मंथन अर्थात गहन चिंतन के अतिरिक्त गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह भी जरूरी है। तो बेटा पाठ शुरू करते हैं हम नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की डोडी, बालाजी मंदिर यानी कि हमारे हनुमान जी का मंदिर, और डोडी, डोडी का अर्थ दहलीज, प्रवेश द्वार के बीच में जो दहलीज होती है उसको बोलते हैं डोडी। डोडी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, ये नौबत खाना में मैंने बता दिया बेटा कि पुराने ज़माने में जो बेटा जो बड़े बड़े महल या हवेली होते थे उनके बाहर की तरफ एक द्वार होता था और उस द्वार पर आने वाले मेहमानों का स्वागत मंगल ध्वनि बजाकर किया जाता था। ऐसा स्थान बना देते थे कि जो भी कोई मेहमान आता था तो उनका स्वागत मंगल ध्वनि के द्वारा किया जाता था। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। अमीरुद्दीन बिस्मिल्ला खां का नाम है और उनके बड़े भाई हैं शमसुद्दीन जो 9 साल के हैं और बिस्मिल्ला खां जी यानी कि अमीरुद्दीन 6 साल के हैं, दोनों के बीच 3 साल का अंतर है। अमीरुद्दीन इतने छोटे हैं कि उनको अभी ये भी नहीं पता कि राग क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है। और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। भीम पलासी और मुल्तानी ये रागों के नाम हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? वाजिब का अर्थ होता है उचित। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा।
यानी कि अमीरुद्दीन अभी इतने छोटे हैं कि राग वगैरह जो चीज़ है उनके बारे में जान सकें। इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने सेनाई वादक हैं। इनके मामा थे, एक का नाम था सादिक हुसैन और दूसरे का नाम था अली बख्श। ये दोनों जाने माने सेनाई वादक थे, जो बड़ी बड़ी रियासतें होती थी उनके दरबार में ये बजाने जाते थे, विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं दोनों, क्योंकि जाने माने सेनाई वादक जो थे। रोज नामचे का अर्थ बेटा दैनिक कार्यों का नामांकन करना। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर बालाजी का मंदिर। हर दिन की शुरुआत वहीं डोड़ी पर होती थी। इनका जो सेनाई बजाना शुरू होता था शुरू बालाजी मंदिर से ही होती थी। मंदिर के विग्रहों का को पता नहीं कितनी समझ है, विग्रह यानी कि मूर्तियों को, जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव राग को सुनते रहते हैं। यहाँ लेखक बताते हैं कि पता नहीं जो मंदिर की जो इमारतें हैं उनके खंभे हैं और उनके अंदर जो मूर्तियाँ हैं उनको कुछ पता भी है, कुछ समझ में आता भी है या नहीं है, जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित जैसे भैरव राग को भी सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का, जो उनके दो मामा थे सादिक हुसैन और अली बख्श, ये उनका खानदानी पेशा था सेनाई बजाना। उनके अब्बा जान भी यही डोडी पर सेनाई बजाते रहते थे, यानी कि अमीरुद्दीन के नाना जी भी यही डोडी पर सेनाई बजाते रहते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव यानी बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। ननिहाल नाना के घर में डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, यानी कि डुमराव को विशेष नाम से नहीं जाना जाता, सिर्फ दो तरह से डुमराव को जाना जाता है। एक तो ये अमीरुद्दीन का जन्म स्थान था इसलिए, और दूसरा देखिए, पर यह ज़रूर है कि सेनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। सेनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है, रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे सेनाई को फूका जाता, अंदर से पोली यानी कि अंदर से खाली होती है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास है, नरकट एक प्रकार की घास है से बनाई जाती है। रीढ़ किससे बनाई जाती है? नरकट घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। तो ये दूसरा कारण है बेटा, एक तो किस कारण जाना जाता है डुमराव को कि ये अमीरुद्दीन का जन्म स्थान है, और दूसरा कि यहाँ पर सोन नदी के किनारे पर नरकट घास पाई जाती है जो रीढ़ बनाने के काम में आती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण सेनाई जैसा वाद्य बजता है। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही, अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।